बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ आ जाओ, चलो भाई चलो। अंडा पड़ा हुआ है, ये अंडा उठा लेता हूँ। एक अंडा यहाँ पर है और एक अंडा इसमें अंदर है। दो अंडे और एक कल वाला रखा हुआ है। तीन अंडे हो गए यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी अभी मैं आया हूँ बॉब लूना मार्ग को, मैंने खाना दे दिया है और मुर्गे मुर्गियों को मतलब राजा और रानियों को खोल दिया है। इन सबको अब अनकवर करना है, लेकिन अभी थोड़ी देर में करता हूँ। पहले इन सबको जो है ना इनका खाना लेकर आया हूँ। ये हमारे राजा और रानियों की डाइट भी रखी हुई है, किचन वेस्ट है, ये भी इनको देते हैं। हाँ मार्क यार, ये तुम्हारा खाना नहीं है। वो दोनों अंदर चले गए ना, तो इसको परेशानी हो गई है, ये बाहर रह गया। चलो चलो चलो, क्या हुआ क्या हुआ, शाबाश। चले जी, अभी ये चले गए, इनको मैंने अनकवर कर दिया है। अभी इनको दाना पानी देता है, एक नज़र आपको दिखा दूं। काफ़ी दिन हो गए ये मैंने नहीं दिखाए, तो ये देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल फिट हैं, यहाँ पे खुश हैं। आज धूप नहीं निकली, आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, धूप बिल्कुल कम है। आज बिल्कुल कम धूप निकली है। रात को तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, मुझे परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि इनका क्या होगा। अभी मैं चेक कर लेता हूँ सबको। वैसे सब जो है ना कवर्ड कर दिए थे रात को, और आफरी दी हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अभी इनको भी अनकवर किया है, और यहाँ देखें, यहाँ पे एक अंडा आया है। पता नहीं किस पैर ने अंडा दिया है, लेकिन यहाँ अब ये कोई जगह है अंडा देने की। मेरे ख्याल से इस पैर का अंडा है ये वाला पैर, तो अभी तैयारी कर रहे हैं। इतने वो बॉक्सेज हैं, असल में मेरी गलती है, बॉक्सेज में अंडे पड़े हुए हैं ना, तो वहाँ इन लोगों ने अंडा नहीं दिया, अंडा यहाँ पर दे दिया। हाँ भाई, क्या हुआ, क्यों शोर कर रहे हो, क्या परेशानी है, क्या चाहिए। हाँ भाई, रैबिट कैसे हो, सर्दी से बच गए रैबिट, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और मैं इनकी बात कर रहा था, इनका अंडा अब इस अंडे का क्या करें यार। अब पता नहीं यहाँ पर ये बैठेंगे नहीं बैठेंगे यार। ये चेक करें, ये क्या सीन है, ये हमारे जो है ना डक एक अंदर चली गई है इस केज में। ये अबे मार्क, मुझसे नहीं लड़ो भाई, मैं बता रहा हूँ दोस्तों को, लड़ना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ यार। इस डक ने शायद अंडा देना है, ये तो इस केज में चली गई, ये काफ़ी देर से यहीं है। वो एक बाहर है, ये परेशान है बाहर, तो एक ये अंदर है। अभी मैंने ये अभी अनकवर कर रहा था, जैसे ही मैंने इसको ऊपर किया वो डक अंदर चली गई है। अब पता नहीं क्या मामला है, ये भी अंदर जा रही है, क्या बात है यार, ये तो अजीब, मतलब समझ नहीं आ रहा। ओए नहीं करो यार, नहीं नहीं करो, कुछ भी नहीं कर रहा मैं। ये दोनों डक्स हमारी अंदर चली गई हैं केज में, पता नहीं इनको क्या करना है, अंडा देना है शायद। वो तो अंदर जो बॉक्स रखा हुआ है ना, उसमें जा रही है। वो चेक करें, प्यारे गैंग आए हुए हैं, भाग गए। हाँ दिन भाई, क्या चल रहा है, हाँ पानी वानी दे दिया सबको, मार्क क्या कह रहा है, मार्क लड़ाई कर रहा है नहीं, यार चूजे चेक कर लेते, कल दो थे आज देखे कितने। ये मार्क तो लड़ने आता है, लड़ बोलो इसको, एक हाँ भाई, कितने चूजे निकाले, अभी ये दो ही हैं, तीन है, तीन है, हाँ माशाल्लाह तीन चूजे हो गए, तीन हो गए चूजे, बाकी अंडे अभी पड़े हुए हैं। अभी ठंड है ना, दो तीन दिन बाद निकालेंगे इनको बाहर, फिलहाल इसको बैठने देते हैं। सही है, बैठ जाओ बैठ जाओ यार, इस डक को छोड़ देते हैं, थोड़ी देर दूर हो जाते हैं, ये अंडा देने वाली है, बैठ जाइए, ये अंडा देगी यहाँ पे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, डक हमारी अंडा देने वाली है ऐसा लग रहा है मुझे। अब पता नहीं अंडा देगी या नहीं देगी, खैर देखते हैं। हाँ भाई, आप लोगों का क्या इरादा है, अभी चेक कर लेते हैं इनका क्या बना। यार इनके तो दो अंडे पड़े हुए हैं, चार अंडे थे, खा लिए क्या दो, पता नहीं चार अंडे थे, अभी दो पड़े हुए हैं, कोई बच्चे नहीं निकले, क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं।
वो तो पता नहीं कब आए थे, अभी तक नहीं अंडा नहीं बच्चा। हाँ वो वाले ना, हाँ? वो वाले तो पता नहीं क्या सोच रहे। इसकी हालत ख़राब है और इसकी भी हालत जो है ना सही नहीं है। ये दो कबूतर हमारे पक्के पक्के बीमार है और पीछे भी बैठे हुए हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों बिल्कुल सुस्त हैं, इनको ठंड लगी हुई है। इतना ये तो बीमार होते जा रहे हैं, क्या करें। इनमें से पहले कोई भी नहीं मरा था, अब ये मरने लगे। हाँ यार, ये कबूतर हमारे जो है ना, ये काफ़ी टाइम से हमारे पास है, काफ़ी महीनों से हमारे पास है, बिल्कुल ठीक थे, अब ये बीमार होना शुरू हुए। पता नहीं इस केज में मैंने शिफ्ट किया है, यहाँ पे इनको ठंड लग रही है या कोई और मामला है। यार ये काफ़ी बीमार हो गए, मतलब बहुत सारे, तीन चार पांच बीमार हैं यहाँ पे, दो पहले ही मर चुके हैं हमारे कबूतर। और यार मुनीब भाई ने मुझे कल कॉल की थी, जिससे मैं ये न्यू वाले कबूतर लेकर आया था ना, अभी जो कल परसों लक्के कबूतर लेकर आया हूँ, तो मुनीब भाई की कॉल आई थी कि लक्के कबूतर का पैर एक बहुत प्यारा आया हुआ है, वो ले जाओ। तो कल मैं गया नहीं था, वो नाराज़ हो रहे थे, आज जाना पड़ेगा। तो यहाँ से फ्री होके मैं जाता हूँ मुनीब भाई के पास, देखते हैं कौन से कबूतर आए हुए हैं। तो अगर प्यारे हुए, मतलब मैंने तो कमेंटमेंट कर लिए कि मैं ले लूँगा, बगैर देखे मैंने जो है ना बोल दिया मैं ले लूँगा। तो अभी जाना है और वो लेकर आने। यार अभी पहुँच गए शॉप पे, यहाँ पे कबूतर काफ़ी सारे हैं, लेकिन कौन सा पेयर है वो तो मुनीब भाई बताएंगे। क्या हाल है? ये वाला पेयर है के साथ है। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। यार ये पेयर है, ये मेल फीमेल है और ये इनका बच्चा है, ये बच्चे के साथ है पेयर, मुनीब भाई ने रखा हुआ था मेरे लिए। तो ये पैर अभी लेकर चलते हैं। यार यहाँ बैठे बैठे एक ये वाला पैर पसंद आ गया मुझे, ये वाइट वाला जो है ना, तो ये भी निकलवा रहा हूँ। यार मैं अभी अभी सेटअप पे आया हूँ, मैं कबूतर लेकर आया हूँ, कबूतर पीछे रखे हुए हैं और पैरट भी लेकर आया हूँ। और अभी हम चेक करते हैं, हमारी जो डक है ना, इसको बंद कर दिया था, चेक करते हैं कि इसका अंडा आया या नहीं। आओ देखो इसरा, मार कट जाओ, हट जाओ। हट जाओ, हट जाओ, मेरे खान में अंडा है, हट जाओ भाई, तो देखने दो। अरे माशाल्लाह इफ्रा, वो देखो यार कितना बड़ा अंडा है, वो देखो तो सही। अभी ये हमें उठाने देगी अंडा, ये तो अंडे के ऊपर बैठ रही है। बैठने देते हैं, पर ये इसमें तो, ये इसमें मुर्गी कैसे जाएंगे, ये तो उसमें बैठी रहेगी। ये तो यहाँ तो कब्जा हो गया इनका, क्या है? वो मुर्गे लड़ रहे। इफ्रा आप क्या करें, दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डक ने अंडा दे दिया। यार बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लेकिन ये मार्क जो है ना चौकीदारी पे खड़ा हुआ है, ये तो करीब ही नहीं जाने दे रहा, और वो डक भी अंडे के ऊपर बैठ रही है, अभी वो अंडा नहीं उठाने देगी। यार अब मुझे नहीं पता इनका क्या करना होता है, इनका अंडा जो है ना यहीं रहने देना है या उठाना है, मुझे नहीं पता। फिर अंडा यहीं छोड़ दें, अंडे को हम नहीं उठा रहे, क्योंकि ये भी जो है ना चौकीदार बहुत गुस्से में। चलो वो बाहर आ गई यहाँ पर लूसन खाने के लिए। शारिया भी आ रही है अंडा देखने के लिए। हाँ जी शारिया, आ जाओ आ जाओ। चलो वो देखो। ओए मार्क, बदमाशी नहीं करो। है कितना बड़ा है, तो डक भी तो इतनी बड़ी है। बच्चा कब आएगा? अभी ये काफी अंडे देंगी, फिर अंडे के ऊपर बैठेंगी, फिर बच्चा आएगा, अभी तो टाइम लगेगा। यार अभी हम बाहर आ गए हैं, मुझे नहीं पता अब अंडा इनका उठाना होता है या नहीं उठाना होता। मैं देख रहा हूँ कि अगर दोबारा जाके अंडे के ऊपर बैठती है तो फिर आज रात जो है ना इनको यहीं बंद करेंगे, और राजा और रानियों के लिए कुछ और सेटअप करता हूँ, कहीं और बंदोबस्त करता हूँ इनको बिठाने के लिए। बाकी अगर वो नहीं बैठती तो फिर अंडा उठा लूँगा मैं, और राजा रानियों को अपने केज में बंद कर दूँगा, ये तो वैसे ही बाहर रहते हैं, तो इनको बाहर छोड़ देंगे। तो यार अभी डक जो है ना बाहर चली गई है, तो अभी हम अंडा उठा के चेक करते हैं। यार ये चेक करें, इतना बड़ा अंडा, इफ्रा कितना बड़ा है, मट्टी लगी हुई है। आफरीदी को दिखाओ। तो यार इसको भी हम यहाँ रख रहे हैं, अभी आफरीदी देखो डक का अंडा कितना बड़ा अंडा है, इसके ऊपर बैठोगे हैं? यार ये देखे मुर्गी के अंडे देखे कितने, और ये डक का अंडा देखे कितना बड़ा है। चलो यार अभी इनको मैं केज में छोड़ देता हूँ।
अभी नए कबूतर सारे हमने यहाँ छोड़ने हैं, क्योंकि वहाँ तो कबूतर बीमार हो रहे हैं ना, वहाँ नहीं छोड़ना। ये बच्चा है इनका, बच्चा है इनका। हाँ चलो भाई। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला पैर भी जो है ना मैंने शिफ्ट कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह यार आज मैं जो है ना कबूतर भी लेके आया हूँ, पैरट भी लेके आया हूँ, और आज हमारी डक्स ने भी अंडा दे दिया, हमारे कबूतरों ने भी अंडा दे दिया, तो आज बहुत ही खुश हूँ। खैर आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।